सखर में पेट्रोलियम बम गिरने से आवाम चिल्ला उठे। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद क्या हालात हैं, जानेंगे औरंगजेब से। औरंगजेब बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, जहां पर मैं ये बताता चलूं कि वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उससे शहरी जो है बिलबुला उठे हैं और परेशान हैं। और मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है वो 10 रुपये 49 रुपये बढ़ाई गई है, जो नई कीमत है 137 रुपये 79 पैसे है। और डीज़ल जो है वो 12 रुपये 44 पैसे बढ़ाया गया है। लाइट डीज़ल जो है 8 रुपये 84 पैसे बढ़ाया गया है। मिट्टी का तेल जो है वो 10 रुपये 95 पैसे बढ़ाया गया है। और 1 लीटर मिट्टी का तेल की जो नई कीमत है वो 110 रुपये 26 पैसे है। और मैं ये भी पता चलूँ कि ये जो बम आवाम के ऊपर गिराया गया है उसकी वजह से आवाम जो है शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं वो क्या कहेंगे। सर बताइए क्या कहेंगे आप? मेरा मकसद है, इन्होंने अगर बम गिराया है तो किस मकसद के लिए गिराया है? IMF से लोन ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये लोग, नहीं समझे सर इसका ये हमें बताना चाहें, बताएं कि बम गिराने का मकसद क्या है, या लोन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किस वजह से लोन ले रहे हैं? पब्लिक तो बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो गई इस टाइम। जैसा कि शेरी की आपने बात सुनी, उनके कहने का मकसद यही था कि जो पेट्रोल बढ़ाया गया है वो उसका जो वज़न है वो हम पे गिराया गया है, बम जो वो गलत है। और औरंगजेब।